दोस्तों आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हम जा रहे हैं गांव अपने, तो हम आ चुके हैं अभी ट्रेन पे। और जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे कितना भगदड़ मच रखा है। तो ये है स्टेशन का व्यू। हम पहुंच चुके हैं गया स्टेशन, जहां से हमें गाड़ी मिलेगी अपने गांव के लिए। तो वहां पे थोड़ा वेट करना होता है, तो वहां पे ट्रेन मॉर्निंग में आती है, तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं जब तक आपको स्टेशन का व्यू दिखाते हैं। तो गया से हम गाड़ी बैठकर आ जाते हैं अपने गांव, और वहां पे हम वीडियो बना नहीं पाते क्योंकि सुबह का टाइम होता है और पता ही नहीं चलता कब ट्रेन आ जाती है, तो जल्दीबाजी के चक्कर में हम वीडियो बना नहीं पाते। तो फाइनली गांव आने के बाद हम बैठ जाते हैं गाड़ी पे और यहां से निकल जाते हैं अपने घर। तो अभी हम यहां पे बात करते करते ड्राइवर से और जा रहे हैं आगे, आपको दिख रहा होगा। गाँव की ना रोड बहुत ही मस्त होती है, बिल्कुल ज़बरदस्त। अभी हम इस बस को ओवरटेक कर रहे थे हम आ चुके हैं अपने गांव वाले घर पे, जहाँ पे ताला लग रखा है। और अभी अंकल इस ताले को खोलेंगे और हम अंदर जाएंगे। और ये है बाहर का व्यू, जो कि बहुत ही डेंजर लग रहा है। तो गेट ओपन हो चुका है और अंदर देखेंगे। है तो फाइनली फ्रेंड्स, हम सब आ चुके हैं अपने पुराने वाले घर, जिसका हाल बहुत ही बेकार है अभी, जो हम आपको दिखाने वाले हैं। तो बहुत दिनों के बाद आए हैं गांव वाले घर पे, जहाँ पे इतने सारे कचड़ा हो रखा है। तो अभी हम पूरा सफाई करेंगे। ये सारा रूम बहुत दिन से बंद पड़ा है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा कचड़ा हो रखा है फ्रेंड। बनने के बाद मैं बहुत दिन बाद आया हूँ यहाँ पे। इस रूम में है कुछ बेड वगैरह। तो फिलहाल हम करेंगे इस रूम की सफाई। हम जाएंगे सीढ़ी से ऊपर छत पे। आपको दिखाएंगे छत से कैसा है यहाँ का व्यू। यह है बाहर का व्यू। तो हम अब जा रहे हैं नीचे फ्रेंड, जहाँ पे कपड़ा चेंज करेंगे और उसके बाद को सफाई करेंगे। अंधेरा भी बहुत है यार, लाइट जोड़ना पड़ेगा। तो आ गए हैं अब हम रूम पे। हम सब अब कपड़ा वपड़ा चेंज करने के बाद तो हम रेडी हो चुके हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए कितना ज्यादा कचरा आ गया है। अब ये सबको साफ सफाई करने के बाद हम आपको रूम का व्यू दिखाएंगे। अभी तो लाइट भी नहीं है यहाँ पे, तो सबसे पहले हम यहाँ लाइट जोड़ेंगे। बहुत दिन से बंद पड़ा है, जिसके कारण इतना सारा कचरा हो गया, जैसे कि पूछे ही मत। अभी देखिए रूम पे लाइन भी नहीं है और हम सब पहले लाइन का इंतजाम करने वाले हैं। तो ये है गांव का टोकन, जिसे हम वहाँ पे लगाएंगे। वहाँ पे तार दिख रहा होगा बाहर में आपको, उसमें हम कनेक्ट करेंगे तो रूम पे लाइट आने की संभावना बढ़ जाएगी, मतलब आ जाएगा लाइट। तो अभी फिलहाल हम लाइट को लगाते हैं। तो फाइनली दोस्तों, हम सब तैयार हो चुके हैं झाड़ू वाड़ू लेकर। अब यहाँ का जितना भी कचरा है सबको साफ करेंगे। रेडी
तो फाइनली दोस्तों हम सब झाड़ू वाड़ू मार कर कर दिए रूम को फिट, जैसे कि आप देख रहे हो हर एक रूम में झाड़ू वाड़ू लग गया है। अब हम आएंगे नेक्स्ट टाइम तो इसे पूरा अच्छी तरह से धो लेंगे। ये बाहर का सीन है। अब थोड़ा लाइट का वेट कर रहे हैं हम लोग। ये है हमारे पीछे साइड का सीन, दिख रहा होगा। अब शाम का टाइम है तो सोचे छत पे भी चले जाते हैं, तो अब जाएंगे छत पे, वहां का व्यू दिखाऊंगा आप लोग को। अभी पूरा रूम अंधेरा लग रहा है, एकदम पुरानी हवेली की तरह। वहां पे अंकल देखिए झाड़ू मार रहे हैं। बहुत कम आते हैं फ्रेंड्स इस वाले घर पे, इसलिए इसका ये हाल है। और छत का सीन तो आप लोग देख ही चुके थे शुरू में। ये देखिए, ये है गांव का सीन जो कि बिल्कुल ओसम है, मस्त। तो दोस्तों अभी का इवनिंग का समय है और गांव पे घर है हमारा, उसके छत पे है। ये वहां का व्यू है, आपको इधर का व्यू दिखाते हैं। खैर गांव तो गांव है फ्रेंड, बहुत ही मस्त है। अभी घर वर पूरा साफ वाफ हो गया, वहां पे सोने का इंतजाम होगा और उसके बाद हम सब खाएंगे खाना वाना कुछ भी लगवा के। फाइनली गाइज घर वर साफ करके अब हम जा रहे हैं मार्केट से खाना लाने के लिए। तो हम रेडी हो चुके हैं, पुराने वाले गेटअप में आ गए, अब जा रहे हैं खाना लाने के लिए। मिलते हैं आप सभी से मार्केट में, बाय। तो दोस्तों हम सब यहाँ से ले लिए हैं खाने के लिए, इसमें रोटी और सब्जी है और सलाद वगैरह है, और उसके बाद हम सब जाएंगे घर। तो यही है गांव का रेस्टोरेंट फिलहाल। अब हम यहाँ से जाएंगे घर, वहाँ पे सभी मिलकर खाएंगे हम और अंकल। आपको मार्केट का व्यू दिखाते हैं यहाँ का। ये मार्केट का व्यू है फ्रेंड हमारा, जो कि बहुत ही अभी के मौसम में बहुत ही शांत है, बहुत ही ज़्यादा शांत। तो अभी भी गांव में ये सारी गाड़ियाँ चल रही है। अब हम यहाँ के कुछ, अब यहाँ पे हम सामान लेंगे थोड़ा सब्जी वब्जी, उसके बाद बैठ जाएंगे घर। अब यहाँ से सब्जी लेने के बाद हम चलते हैं सीधा घर। ठंडी में मार्केट पूरा ही डाउन रहता है फ्रेंड, बिल्कुल डाउन, जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्कुल भीड़ है ही नहीं, मार्केट बिल्कुल म्यूट रहता है। फाइनली फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं घर, खाना वाना आ चुका है। अब हम और अंकल मिलकर खाएंगे इसे और उसके बाद सो जाएंगे। अब करते हैं ब्लॉग खत्म, बाय।